आज हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर कुणाल कौशिक सर. हमारे पास एक क्वेरी आई है इंदौर से कि उनके घर में सबको डिप्रेशन रहता है और घर में मन नहीं लगता, तो हमारे हिसाब से ये इट इज़ अ साइन ऑफ नेगेटिव एनर्जी. इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आप हमें बताइए. घर में दो तरीके की एनर्जीज होती हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी. और एज अ वास्तु कंसल्टेंट हमारा ये काम होता है कि हम नेगेटिव एनर्जी को निकालें और पॉजिटिव एनर्जी घर में आए. और पॉजिटिव एनर्जी सबसे पहले इनको एक काम करना चाहिए कि अपने नॉर्थ और ईस्ट को जितना हो सके सुबह के टाइम पे इनको खिड़की और दरवाजे खोल के रखें, और साउथ और वेस्ट में इनको भारी कर्टन्स लगाना चाहिए पहली चीज़. सेकेंड, ये साउथ और वेस्ट को बंद रखना चाहिए. कई बार नेगेटिव एनर्जी उससे भी फ्लो होती है, कई बार साउथ और वेस्ट फेसिंग घर होते हैं जो उनमें नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आती है. तो मेरे हिसाब से नेगेटिव एनर्जी इनके घर में, और ये बता रहे हैं डिप्रेशन में रहते हैं और ये सब, तो इसके लिए मैं ये चीज़ बोलूँगा कि पहले तो इनको देखना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी कम है या ज़्यादा है. तो ट्रायल मारें कि एक बार सी सॉल्ट रख के देखें, ज़रूर उससे फ़र्क पड़ेगा. इनके घर में सी सॉल्ट रखें, किसी भी शीशे के बोल में रखें. अगर कोई और तरीके का बोल इस्तेमाल ना करें वो असर कम करेगा, शीशे का बोल ज़्यादा असर करेगा. और हर 20 से 25 दिन में उस सी सॉल्ट को चेंज करें. और जहाँ अपने लिविंग रूम में बैठते हैं, अपने बेडरूम में रहते हैं, बेडरूम में सी सॉल्ट रख लें, लिविंग रूम में रख लें, अपने ड्राइंग रूम में रख लें. और सेकंड थिंग, अगर उसके बाद भी इनको, कई बार ऐसा होता है कि हमने सी सॉल्ट रखा, आपने बताया, उसके बाद भी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म नहीं हुई, तो वास्तु में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एनर्जीज़ को चेक करते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी को चेक करते हैं कि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है कितनी. तो ज़रूर किसी भी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएं और सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट से एनर्जी चेक कराएं. अगर फ़र्क नहीं दिखता तो, क्योंकि हो सकता है उनके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जो सी सॉल्ट ज़्यादा कम ना कर पाए, तो चेक करें इस चीज़. ओके, थैंक यू सर.